नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विद्यार्थी 2.0 पर। तो आज हम जा रहे हैं, लव सर का शिक्षक समारोह है, तो चलिए वहाँ का पूरा वीडियो हम आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को अच्छा लगेगा। तो चलिए हम वहाँ पर जाकर आप लोग को ऐसा मत करिए और ऐसा मत करिएगा, बेगाना मत करिएगा। शरीर सर का है, अलोक सर का, लेकिन धड़कन में हमें थोड़ा सा स्थान जरूर दीजिएगा। जाने का दुख बहुत है, जब लोग रहते हैं तब किसी चीज की वैल्यू समझ में नहीं आती है, लेकिन जब चले जाते हैं तब उसकी वैल्यू समझ में आती है कि मैंने क्या पाया और क्या खोया है। आज मैं एक सम्मानजनक पद पर हूँ और आप लोग का आशीर्वाद ही है, सबका आशीर्वाद है, जहाँ से मुझे लोग ने जबरदस्ती यहाँ से भगाया, सबका सहयोग मिला। और जब मैं वहां चला गया तो शुरू तो नहीं समझ में आया, चलो यार नई दुनिया में आए हैं, मजा लो, आनंद लो, आज भी आनंद ले रहा हूँ, लेकिन फिर कभी ना कभी ऐसा कमी खल रहा है, कभी ना कभी ऐसा बुझा रहा है कि मैं था कहाँ और कहाँ पर आ गया, मेरी दुनिया कितना जल्दी बदल गई मैं समझ नहीं पा रहा। मुझे मजा है, ठीक है, गवर्नमेंट नौकरी में हूं, आनंद है, बहुत आनंद है, हम लोग यहाँ पढ़ ही रहे हैं उसी के लिए। और मैं चाहता हूं, ये मेरी कामना है, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो भी हमारे क्लास से जुड़े हैं, नहीं भी जुड़े हैं, भगवान करे सब सफल, अपने लक्ष्य में सब आगे बढ़े। लेकिन कभी कभी ये दिमाग में आता है कि जो मान सम्मान मुझे यहां से मिला है, जितना मैंने मान सम्मान कमाया यहां से, शायद वो मान सम्मान वहां नहीं मिल पाएगा। जितना लगाव यहां से रहा मुझे, वो मान सम्मान शायद मुझे वहां ना मिल पाए। मैं लगातार प्रयत्नशील कर रहा हूं, मुझे जो मान सम्मान यहां से मिला है, मुझे वो मान सम्मान वहां पर कमाना है, जो मैं लगातार प्रयत्नशील। और आप लोग के आशीर्वाद से मैंने मात्र 2 दिन क्लास पढ़ाया था, 1 दिन तो बस इंट्रोड्यूस हुए कि भाई 1 दिन बस मुझे जानो, तुम लोग पहले तो भाषा की कम्युनिकेशन अच्छी हो। जब तक हम लोग भाषा के कम्युनिकेशन में नहीं एक दूसरे से मिल पाएंगे, तब तक पढ़ाई का कोई मजा ही नहीं। अगर कोई इंग्लिश वाला व्यक्ति आकर के खूब बक रहा है इंग्लिश में, तो मैं समझ रहा हूँ कि पहले तो इंग्लिश में समझने में 10-15 दिन लग जाएंगे, तो क्या पढ़ाई का मतलब बनता है। तो पहले तो भाषा कम्युनिकेशन 1 दिन मैंने पढ़ाया, दूसरे दिन उन लोग को वास्तव में पढ़ाया, और तीसरे दिन रिजल्टेंट निकला ये कि पूरे यूट्यूब पर वायरल कर दिया। वहां पर मेरे विद्यालय के जस्ट बगल में एक प्राइवेट संस्था चलता है फोर्जियस नाम करके, तो वहां फोर्जियस में एक कोई यूट्यूबर था, चला गया और गया वहां पर, तो नहीं होता है बच्चों से कि क्या चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसी में एक सवाल निकल के आया, ये बताओ प्राइवेट ट्यूशन वाले, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी का, ना मैं किसी का बड़ाई कर रहा हूँ, मैं उसी चीज से गया हूँ जहां से वो लोग चल रहे हैं, और मैं हमेशा उन लोग को सम्मान करता हूँ। पूरे एकदम विद्यालय में मैं कहता हूँ प्राइवेट ट्यूशन वाले सबसे ज्यादा बेहतर कि सरकारी विद्यालय वाले सबसे ज्यादा बेहतर? तो सारे लड़कों या लड़कियों ने यही जवाब दिया कि पहले का तो सब बेकार थे, लेकिन इस बार जो विदेशी टीचर चयनित होकर आए हुए हैं, स्पेशली मेरा नाम लेकर के, सबसे ज्यादा बेहतर है। सलीम सर का तो ये चीजें आगे आगे इधर एमबीसी अलग है, ऐसा मत करिए, हम लोग अलग मत करिए, हम लोग को अपने समूह में रहने दीजिए सर। तो ये चीजें सम्मान में निकल के आया और मुझे भी खुशी हुआ, गांव के लोगों ने भी खुशी जाहिर की, और बच्चे तो है ये हैं। सब अभी नहीं अच्छा, अब कोचिंग कर रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं,
तो ये चीजें हमने कभी भी चीजों को प्रमोट किया है कि नहीं, हम लोग खुद यहाँ से उठ करके गए हुए हैं। प्राइवेट ट्यूशन वाले जरूर बेहतर कर रहे हैं, तभी तो लोग जा रहा है पढ़ने के लिए, ये रिस्पॉन्स निकल रही है। और अभी शुभकामनाएं हैं, मैं सलीम सर को देना चाहूंगा, ये भी मेहमान हो गए हैं, और मैं चाहूंगा कि रोहतास के बाजार में ही रह जाए, अपने बाजार में, इनको हमारी जो हाई स्कूल की प्राचार्य हैं वर्तमान में राजकुमारी मैम बड़ियारी बुला रही हूँ, आपको कहीं जाना नहीं है और सतुआ में ही रहना है, हम लोग दूर चले गए और सतुआ में ही आप लोग को रहना है। सर सलीम सर की हो गई है नौकरी, ये भी प्लस टू में हो गए हैं, तो ये मेहनत करते रहो, कभी ना कभी जरूर सफलता मिलेगी। बात में डाल करके चलो कि आप लोग कोई भी डिग्री फाइनेंशियल स्थिति के अनुसार जरूर रखो, कोई भी डिग्री। आज के समय में डिग्री बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, आईटीआई की डिग्री क्यों ना हो, जीएनएम की डिग्री क्यों ना हो, एएनएम की डिग्री क्यों ना हो, या मेडिकल लाइन में कुछ और भी डिग्रियां हैं, जैसे डी फार्मा, बी फार्मा तो आगे हो जाता है, चाहे बीएससी नर्सिंग जो भी है, डिग्री मेडिकल क्षेत्र में भी रखो। यहाँ पर आते हो बीएड, डीएलएड, इन चीजों पर भी ध्यान देते रहो, जो चीजें इसमें बहुत सारे लोग पहचान मिले होंगे हमको, पहचान रहे सभी लोग नहीं, चलिए ठीक है। आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं किसके लिए, किस चीज के लिए, मिठाई के लिए? नहीं, मिठाई तो बाजार में आप लोग पार्टी खाते ही होंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग इकट्ठे हुए हैं कुछ खाने के लिए। मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल के ऑनर बनाए गए हैं और है भी, मनाए गए क्या है भी, और हमारी शुभकामना है कृष्णा सर के लिए कि ये भी हमारी लाइन में बहुत जल्दी से जल्दी आ जाए। बिहार सरकार इनको भी खोज रहा है, एक ना एक दिन जरूर ये भी सफल होंगे, ये हमारा आशीर्वाद है इनके लिए। और विद्यार्थी मैथमेटिक्स क्लासेस की संस्थापक विकास सर, विनोद सर और लॉ सर है और रहेंगे भी। करते रहेंगे और हम लोग इनके पद चिन्हों पे कोशिश करेंगे चलने के लिए अच्छे से अच्छे तरीकों से।
प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए आप लोगों के बीच में बहुत कम समय दे पाऊंगा, ठीक है, लेकिन लेकिन कहना चाहेंगे कि आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सर को सम्मानित करने के लिए। अच्छा, आवाज ज्यादा हो रहा है। अपना दिमाग को साइलेंट कर लीजिए और हमारे बात को सुनिए। साइलेंट हो गए आप लोग? देखिए आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, यानी कि आज ही नहीं बर्थडे तो क्लास यहाँ पर करने के लिए आप लोग आते क्यों? आप लोग का व्हाई क्या है? व्हाई, व्हाई क्लियर है आप लोग का? व्हाई, व्हाई के मतलब क्यों? इस क्लास में बर्थडे आप लोग क्यों प्रवेश करते हैं? सफलता के लिए, आते हैं आप इस क्लास में। देखिए बहुत सारा इसमें लड़का लड़की है जिसका भी वाई क्लियर ही नहीं है। वाई का मतलब होता है क्यों, क्यों क्लास आते हैं, क्यों आते हैं, अपना घर का काम धाम छोड़कर क्यों आते हैं क्लास? तो सबसे पहले आज जाकर घर का अपना वाई क्लियर कर लेना है। हम लोग करना क्या है, क्यों आते हैं क्लास? टाइम पास करने के लिए, मस्ती करने के लिए, क्या? तो देखिए एक पढ़ाई का मतलब होता है नौकरी ही करना नहीं। अरे समझ में, बहुत सारे पृथ्वी पर लोग हैं क्या सब लोग नौकरी करते आते हैं अपना लाइफ को संवारने के लिए, अपना जो पीढ़ी है पीछे का पीढ़ी उसको अच्छा रास्ता मार्गदर्शन करने के लिए है ना, उसके लिए। ये तो है कि आप लोग पढ़ाई कर नौकरी करने के लिए जल्दी नौकरी हो जाए, हम लोग का दो पैसा का आदमी बन जाए, किसी के पास हाथ फैलाना पड़ जाए, इसी के लिए ना। लेकिन आप लोग सभी लोग चाहते हैं कि नौकरी करें, अच्छा पैसा कमाए, पापा मम्मी को खुश रखे हमेशा, हमारे वजह से पापा मम्मी एकदम सर ऊंचा उठा रहे, तो उसके लिए आप लोग का वाई क्लियर करना पड़ेगा। अरे समझ में, वाई क्लियर करो, बड़ा पोस्ट हो जाए छोटा पोस्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं। एक सबका अपना अपना लक्ष्य होता है कि नहीं हमको यही करना है, उसी में हमको मजा है करने में। अरे समझ लो, उस लक्ष्य को पूरा करो, मोबाइल को क्लियर करो, आज जाकर आंख बंद करके एकांत में होकर सोकर बढ़िया सोचो अपने बारे में कि हम किस लायक है, अपने अंदर छाती है, छाते हैं कभी कभी आप लोग छाते हैं अपने अंदर, अपने अंदर एक कमी चली जाए, कहां कमी हमारा हो रहा है आगे बढ़ने में। और एक बार आज उतना ही बात करेंगे आप लोग से, ठीक है? आज जाकर घर पर अपना मोबाइल क्लियर करना है, इसके बाद क्लास में हम आएंगे, उस दिन आप लोगों को बनाएंगे कि बताएंगे कैसे क्या करना है, कैसे जल्दी मात्रा में आगे बढ़िएगा, जल्दी कैसे मतलब उस चीज को पकड़िएगा, ठीक ना? क्योंकि मेरे पास आज बहुत कम समय है, सबने टिंकू को समझाया कि हम क्यों यहाँ विद्यालय क्लास पढ़ने आते हैं, इन चीजों को हमें समझना है। और मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, मैं चाहूंगा कि सलीम सर यहाँ पर आए और सलीम सर अपने शब्दों से ही हमें संबोधित करें ताकि हम लोग इनके शब्दों से लाभान्वित हों। सर मोस्ट वेलकम। सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप लोगों को। आज काम सामान्य हमारे पास तो हमारा डॉक्यूमेंट थोड़ा सा बनवाना है, इसलिए लेट थोड़ा है, हम लोग जाना है 9 बजे को 10, क्योंकि हम तय करना है कि आप जिस मकसद के लिए यहाँ आ रहे हैं उस मकसद पर आप खड़े उतरे, और हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे इस पे, इसलिए कि आप उसी लिए आ रहे हैं कि आगे जाकर लाइफ अपना है सेटल करना है, उस लाइफ के लिए सब मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं,
जो जैसे मेहनत कर रहा है वैसा पा नहीं रहा है। साथ साथ में आपको देखिए दिन पर दिन प्रदर्शन बढ़ रहा है, ये देखा भी जा रहा है KRE1 में। जैसे सीजन की बात की जाए KRE1 में ऐसा और इसमें आपको कहा जा रहा था कि जो बीएड कर लेगा, जो डीएलएड कर लेगा, जो पार लेगा, ऐसे भावनाओं से देखा जाता था। लेकिन दिन पर दिन देखा जा रहा है कि कटअप बढ़ती जा रही है। अगर पायलट 2 में भी कटअप कम रही है, लेकिन अगर 3 आ जाए तो सीटों की संख्या कम हो जाएगी। तो बताइए आप, लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि कोर्स की जो है उतना तो हमेशा होती रही है, क्योंकि कॉलेजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इंस्टीट्यूट की संख्या बढ़ती जा रही है, सब कुछ बढ़ती जा रही है। तो ठीक से है कि आपको वहां पर कैंडिडेट भी होंगे वो ज्यादा होते जाएंगे, क्योंकि अभी मान लिया बिहार SSC जो है लगभग 25 से 30 लाख फॉर्म गिरा। कितना उसमें है अप्लाई 25 से 30 लाख, सीट कितना है 12,000, लग रहा है 12,000, लेकिन अगर उसमें अगर देखा जाए पद के हिसाब से देखा जाए उसमें इतना पद है, पद वैकेंसी कर दी जाए किसी में 2 है, किसी में 4 है, किसी में 10 है, किसी में 12 है, इतना ही है। सोचिए कितना कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। तो उस कंपटीशन के लिए हम आ रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप मेहनत कीजिए और कम समय, जितना कम समय में आप मेहनत कीजिएगा उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। जितना ही लेट कीजिएगा कि आपको हर साल अगर इंटर की बात की जाए, 10 की बात की जाए, हर साल कन्फ्यूशन तो हो रहा है आपको 10 क्लास में 10 से 12 लाख रुपए पास हो रहा है, इंटर में 10 लाख 12 लाख लोग पास हो रहा है। इसका मतलब हर साल 10 से 12 लाख लोगों ने बिहार का बात क्यों कर रहे हैं, पूरा ऑल इंडिया का छोड़ दीजिए, 10 से 12 लाख लोगों ने रोज हमेशा हर साल कहा रहे हैं शिक्षित हो रहे हैं, फिर है ना 10 लाख से 12 लाख तक जब वहां से इंटर पास कर रहे हैं, इसका मतलब काम कर रहे हैं। इंटर ऐसे ही नहीं लोग कर रहे हैं, कुछ मकसद है, इसके बाद बीए करते हैं, अपने क्षेत्र बढ़ते हैं, तो इतने लोग बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं काउंट देख रहे हैं, हर साल जितना भी बहाली होती है वो हर साल कम होते जा रहा है, कम नहीं रहा है। कभी हम नहीं देखते हैं कि अगले साल बहाली जो 10 लाख है 5 लाख है तो कम हो जाता है। अब देखिए KRE1 में था 1,70,000, 2 में कितना होगा 1,20,000, अब लग रहा है कि 40,000। पहले से घोषित कर दे अगस्त में जो परीक्षा होगी उसमें 40,000 ली जाएगी। तो सोचिए कि लड़का कम नहीं हुआ, लड़का बढ़ा, इंटरेस्ट बढ़ा और डिग्री बढ़ाने की कोशिश किया। बहुत लोग डिग्री नहीं कर रहे थे, पेंडिंग में डाले थे, वो भी अब कोशिश कर रहा है कि हम ले लें ताकि अगला वाली हम हो जाए। तो बताइए कम सीट हो रहा है, कैंडिडेट ज्यादा बढ़ रहा है, तो कंपटीशन जरूरी होगा तो बढ़ेगा, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो जब उस रेस में पीछे हो जाएगा। देखिए अभी हमको बनाया जा रहा था, हमने इनाम दे रहे थे, एग्जाम से पहले ये कहा जा रहा था हमको कि सर आप तो 10+2 में है, आप तो 50 नंबर ला देंगे तो हो जाएगा। लेकिन कॉल का कट ऑफ देख लीजिएगा, वैध का 120 में 102 के है, 120 में 102 के है। बताइए कि 102 नंबर लाना बहुत मुश्किल है बीपीसी में, 102 के है। देख लीजिए कट ऑफ जाकर 11-12 का वैध का जो कट ऑफ है 102 के है। क्या जानते हैं 102 लाना आसान बात है? आसान बात नहीं है, उसमें बहुत सारे क्षेत्र है। जरूर बाबू जी, जब चले क्या तो अच्छी तरीके आपको अच्छा लगता है तो सर क्या कहना चाहते हैं आपको सबका के लिए? जवान मेरे व्हाट्सएप सर का है, तो सर बोल रहे हैं महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, डूबेगी मेरी कश्ती तो हर साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में कि ऐ मेरे दोस्त, मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरे कातिल भी ज्यादा क्या बोलू। तो भाई मेरा भी क्लास है, तो मैं चाहूंगा कि सर जल्दी बाकी देखिए ये बात सही है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलने का हर किसी को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक चीज अगर एक वैकेंसी में अगर थोड़ी सी भी चूक करते हैं
तो उसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, जिसका मैं भी खुद खमियाजा भुगतता हूँ। जैसे मान के हम SSC की बात करता हूँ, बहुत सारी ऐसी एग्जाम थी जो कि मेरिट में जा जा करके मेरिट ना हो जाना CGL लेवल का। तो आज देखिए, अगर वो थोड़ा बहुत अगर वो हो गया होता, थोड़ा बहुत और मेहनत कर ली होती, या बहुत सारी अगर वैकेंसीज है जिसमें अगर थोड़ा सा और अगर मेहनत हो गया होता तो शायद क्लियर हो गया होता। आज मान लीजिए अगर पॉइंट से अगर ना हुआ, एक नंबर से आधा नंबर से, उससे अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो आपको अगले कई साल इंतजार करना पड़ेगा या कंपिटिटर और ज्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब कहने का मतलब कि जितना जल्दी हो गया जल्दी कह जल की आप रोटी चुरा के खाए के बाद जल्दी खा जाएगा कोई और हो जाएगा। हमको ये बात बहुत बढ़िया समझ में आ गई है बात भाई, बहुत दुख होता है, सुनिए ना जरा रे भाई, सुनिए ना, अरे ध्यान से सुनिएगा, एकदम परम सत्य है कि आप रोटी चुरा के खाइए, जल्दी खाइए। सोचिए तो हम इंतजार कर झपटा कोई और मार डालेगा। इसका बहुत सारा ऐसी एग्जाम्पल देखने को मिलती है, किसी का मेरा बच्चा किसी और का थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं हो जाता है, और होगा एक दिन ठीक से होगा, लेकिन वो चीजें जब मान लीजिए वहां तक पहुंच गए, अपनी दूरी तय कर लिए हैं, और वहां पर थोड़ी सी कमजोरी कहीं रह गई, मेहनत हल्का सा कमी रह गई, तो आप बच गए, और उसका बहुत कम अजर भुगतना पड़ता है। हो सकता है कई साल मान लीजिए वहां तक मेरिट में पहुंच गए, दूसरी वैकेंसी कब आएगी, चलो आ भी गई तो हो सकता है कि लोग कहीं खराब है तो पीटीए में खत्म हो गए, मेंस में खत्म हो गए, या मेरिट ही नहीं फिर आ पाया। तो कहने का मतलब कि फर्स्ट इज द लास्ट कीजिए कम, मतलब कि जो हम करेंगे उसको जल्दी से जल्दी करेंगे, न तो उसका बहुत पता चले कि धीरे धीरे। देखिए सबसे खतरनाक डेंजरस चीज है उम्र, एज, एज कब आपका 18 से 25-26 बीत जाएगी पता ही नहीं चल पाएगा। यानी आप लगे रहिए कि हमें तो अभी तो हम जवान हुए, अभी तो हमारी उम्र है, लेकिन मेरे भाई कब आप 25 पार कर जाए पता भी नहीं चल पाएगा। और वैकेंसी सही बोले, वैकेंसी कब आएगी और कब चली भी जाएगी। जैसे हमने अगर हम टीचर की बात करें तो देखिए, मैं भी बहुत पहले एक बार बीएड का फॉर्म डाला था, हमने काउंसलिंग ना कराया, अगर काउंसलिंग करा दिया होता तो हम ही एप्लीकेबल होता, तो थोड़ी सी गलती हुआ ना, हम लेट से किए तो खमेजा भुगतना पड़ा ना, यानी एक छोटी सी गलती आपके थोड़ी बहुत ना बहुत काफी भारी पड़ेगा, बहुत आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते उसका कितना खमेजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, इस तरह से रेडी रहिए, हमेशा मैदान में तलवार को हमेशा रेडी करके रखिए, कब क्या मौका आ जाएगा उस मौके को खुद को भुना लेना है, तो उम्र इतनी निकल जाएगी ना। और एक बात और है कि जितना शुरुआत में फर्स्ट टाइम में शुरुआती समय में आप पूरा एकदम जान लगा दीजिएगा, आपको शरीर पर कोई प्रभाव ना पड़ेगा, लेकिन जैन ही 21-22-23-24-25 पार कीजिएगा ना, आप पढ़िए ना, एक घंटा पढ़िएगा, सवा घंटा में सूच जाइएगा, पता चले 5-4 घंटे उसमें जियान हो गया। लेकिन ये जो 18 से 21 और 22 वर्ष का जो एज है उसमें आप रगड़ के पढ़िए, खोलो पढ़िएगा ना, तब तो कुछ ना होगा। लेकिन जो ही 22-23-24-25 उम्र बीतेगा ना, तो उम्र का असर होता है, आप उतना नहीं पढ़ पाएगा, उतना धारदार नहीं हो पाएगा। और जब एक बार धार अगर मोर्चा लग जाएगी ना, तो उसको फिर उसको छुड़ाने में समय लग सकती है, क्योंकि भाई कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है, बहुत काफी बढ़ रहा है। तो धीरे से कैसे मोच को पढ़ के, देखो एक बात और बताऊंगा मैं, हमें अच्छा नहीं बनना है, हमें किसी की नजरों में अच्छा नहीं बनना है, संस्कारी बनना है, लेकिन जगह बनना है, मान के चले कि अपना समय व्यस्त नहीं करना है। मेरा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी करियर होना चाहिए, करियर अगर आज मेरा है करियर ना, तभी हमारे भाई को चिन्हेगा, अगर आज मेरा करियर खुद का है ना, तभी माँ बाप भी चिन्हेंगे, गाँव जब सब कुछ आपको तभी चिन्हेगा जब आपका करियर रहेगा। तो विदाउट करियर, बिना करियर के आप पढ़ा लिखा बेरोजगार कहलाइएगा, अगर आपके पास कोई इनकम का स्रोत नहीं है, कोई जॉब, एक बात ये भी है, ठीक है हम एजुकेशन क्यों प्राप्त करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम रेलवे की सेवा करें या देश की सेवा करें या टीचिंग प्रोफेशन में जाए, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब है कि किसी ना किसी सेक्टर में आप सेवा करें और खुद को आय का स्रोत बनाए, सबसे बड़ा जरिया हम लोग का आय का स्रोत होता है। और देखिए भाई, शिक्षा एजुकेशन इज मोस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द वर्ल्ड, आपको समझना चाहिए कि ये शिक्षा एक ऐसा यंत्र है जो आपको बहुत से बहुत जगह पहुंचा सकता है। तो बस सिंपल सी बात है, थोड़ा सा स्वार्थी बनिए,
और थोड़ा सा अपने लाइफ को लेकर के कड़क रहिए, ताकि दोस्ती यारी सब चलता रहेगा, जिंदगी रहेगी चलेगा, घर परिवार सब साथ देगा। लेकिन कहे तरह की ये छूछा तुझे क्या पूछा, छूछा तुझे कोई नहीं पूछेगा। आपके पास है वो चीज, कोई अपेक्षित होना चाहिए, अगर होगा तो ही आगे बढ़िएगा, बाकी वो कोई नहीं पूछने वाला है। तो बस एक बात करूंगा कि अंततः एक बात बोलूंगा कि भाई अब इतना समय भी नहीं गवा देना है कि सपना सपना ही रह जाए। इतना भी इस बात को ध्यान सुनेगा, इतना भी समय न गवा दिया जाए कि सपना सपना ही रह जाए, कि जो हम सपना लिए थे हमारा हो जाए आपका जो किसी और का, जल्द से जल्द इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जल्दी से जल्दी पहचान प्राप्त कर लेना। हो सकता है कि आप पहलका में घबरा गए, दूसरा तीसरा में आपका एकदम नाम लिखा लें, तो जल्द से जल्द प्रयास कीजिए, जल्दी प्रयास कीजिए। बस लास्ट में लिखने मैं बोलूंगा कि देखिए तुम मानो या ना मानो मगर हकीकत है, ध्यान से सुनिए भाई, तुम मानो या ना मानो मगर हकीकत है, पढ़ाई हर इंसान की जरूरत है। सुनिए तो पहले, तुम मानो या ना मानो मगर हकीकत है, पढ़ाई हर इंसान की जरूरत है। जरा इस पढ़ाई वाले मौके में आकर तो देखो यारो, पढ़ाई कितनी खूबसूरत है। पढ़ाई को खूबसूरती बनाना है हमको, हम तो मिल करके, अरे बस किसी के लिए नहीं था, अपने लिए पढ़िए तो जरूर पढ़िए, बाकी आप जम के मेहनत करते रहिए, ठीक है सर। देखिए देखिए जल्दी हम एक बात बोलो, ये बोलूंगा ना, इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, कहीं ना कहीं मैक्सिमम हमसे जुड़े हुए थे पहले कभी, आज इस पड़ाव पर पहुंचे हुए हैं। सुने ध्यान से, हम एक एक कहूंगा, ए मेरे दोस्त, चाहे हमारी मेहनत हो या सर की मेहनत हो, आप मेहनत को जाया मत जाने दीजिएगा, बर्बाद मत होने दीजिएगा, क्योंकि आप जिस बेंच पर बैठे हैं ना, आप जिस बेंच पर बैठे हो आप ही बैठे हुए हैं, आपके माँ बाप का सपना बैठा हुआ है, आपके छोटी बहन का सपना बैठा हुआ है, आपके भैया का सपना बैठा हुआ है, आप इस अकेले बेंच पर नहीं बैठे हुए हैं, आपकी माँ हमारी माँ आपकी आस लगा के बैठी हुई, मेरा लाला जा रहा है और कुछ जल्दी करके दिखाएगा। इस बेंच पर याद रखिएगा, जिस बेंच पर बैठे हो आप नहीं बैठे हैं, आपके पूरे खानदान का सपना बैठा हुआ है, माँ बाप घर का भैया आप ही को इस बात पर याद रखिएगा, आपके एक असफल होने से आपका बहुत सारा पीढ़ी असफल हो सकता है, और एक बार सक्सेस करके देखिए आपका पीढ़ी वो पीढ़ी सुधर जाएगा। आपके एक जॉब से, आपकी एक एजुकेशन के पावर से आप जो एक पीढ़ी को सुधार सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आज भले ही समय हमारा ज्ञान हो जाएगा मेरे भाई, लेकिन वो दिन उस दिन को कभी सोचिएगा, अगर आपका बेटा होगा आपसे पूछे कि पापा आप मेरे लिए क्या किया है, ऐसा वो दिन न आए कि खुद को श्रापित करना पड़ेगी, ऐसी लानत है मुझे जवानी पर कि जो समय नहीं मैं पढ़ा, मैंने क्या किया गलत चाहिए, उस चीजों को बचने से पहले, वो चीजों से बचने से पहले आज ही खत्म कर दीजिए। जाते जाते एक और लास्ट बोलते, इस बार लास्ट कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर इतना बताने के बावजूद भी अगर खून नहीं खोला तो खून नहीं हो पाया, जो जवानी तेरे पढ़ाई के काम में ना तो बेकार तेरा जवानी। नहीं समझा सकते इसलिए अब रहने देते हैं, मोड़ नहीं सकते किस्मत को अपनी तरफ,
गुण नहीं सकते, किस्मत को अपनी तरफ इसलिए वक्त के साथ खुद को बहने देते हैं, जवाब देने के लायक नहीं है अब, जवाब देने के लायक नहीं बने अभी हम, जवाब देने के लायक नहीं बने अभी हम, इसलिए खुद को थोड़ी तकलीफ सहने देते हैं। ये आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि अभी आप जवाब देने लायक नहीं है। सर ने बहुत सारे चीजों को समझाया, मैं भी वही बोलूंगा, पढ़ाई जरूर करते रहो, पढ़ाई ही सब कुछ है, पढ़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये बातों को समझना है।